एटी के मैथ्स के सेक्शन को 1 घंटे में कैसे फिनिश किया? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो अग्निक, हाय जिद्दी स्टूडेंट, जाहिर इकबाल, हेलो करुण्या, ग्रे समीक्षा, हेलो हाय सब लोग, कैसे हो? वेलकम टू अन अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। माय नेम इज़ दिलीप सिंह चौहान। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई हैव क्रैक जेईई एडवांस 2013 एंड आई लव टू टीच फिजिक्स। फिजिक्स इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। तो आप सबका स्वागत है। यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी ऐप और अन अकेडमी पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। बहुत सारी डेली लाइव क्लासेज हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं बहुत सारे, और अगर सब्सक्राइब आप करते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपके पास किसी भी टीचर का, आपका मनपसंद के जो टीचर हैं उनसे पढ़ने में। ओके, देर आर लॉट ऑफ लाइव क्लासेस जो फ्री हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये हमारे एजुकेटर्स हैं जिनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। नीट में बहुत ही माने हुए लोग हैं जो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द कोर्स प्लान। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर आइदर 12 मंथ्स प्लान और 24 मंथ्स प्लान, क्योंकि इतना टाइम नीट और जेई में लगता है। एंड यू कैन यूज़ माई कोड DS01 टू गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। हेलो अमना शेख, अग्निक अग्निक अधिकारी, हेलो हाय कैसे हो? शिवानी, हाय शिवानी, मोनिका, सब लोग कैसे हैं? श्वेता माने, संजीवनी, अग्निक, सादिया सादिया, हेलो कैसे हो? अर्पित, प्रीति दुबे, करुणा, ग्रेस, हाय हेलो, वेलकम यू ऑल, ग्रेट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्प्रिंग इन दिस लेक्चर। स्प्रिंग्स के बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, स्प्रिंग्स में क्या क्या है, कितने कितने टाइप के सवाल बनते हैं और क्या है सीन, क्या है स्प्रिंग का, तो वो हम आज देखने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, पूरे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्प्रिंग्स जो है आपके पूरे फिजिक्स में काम आती है, बार 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 हज़ार बार। ओके, बहुत काम आती है स्प्रिंग्स, इसलिए स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। SHM की कुछ बातें मैंने बता दी थी, बट आपको दिक्कत नहीं लेना है अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है। डोंट वरी, स्प्रिंग्स का पूरा सीन डिफरेंट है। ओके, मैं जीरो से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा इजीली, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई गारंटी दैट, ठीक है? कोई लोड लेने की बात नहीं है। ओके, सो स्प्रिंग्स के बारे में आपको अगर पहले से कुछ नहीं आता है, डोंट वरी, मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ एंड आपको सब आ जाएगा, ये अपना वादा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, स्प्रिंग्स का स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स के बारे में सब लोग जानते हो, बस इतना सा पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, कुछ भी आपको आए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रिंग का मैं बता दूंगा जीरो से। कूल है? ऑल राइट, सो लेट स्टार्ट। ग्रेट, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं वैसे SHM में, स्प्रिंग के बारे में नहीं बताया, तो स्प्रिंग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्प्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर चैप्टर में आती है, ठीक है? स्प्रिंग्स जो रहेंगी पूरे हर बार हर चैप्टर में आएंगी। ओके, हाँ श्वेता, स्प्रिंग्स में जीरो से पढ़ाऊंगा। फ्यूचर डॉक्टर संजीवनी, हेलो प्रो बॉय चैलेंज, हाय मोनिका, हरिनी एम हरिनी, वृंदा, हेलो कैसे हो सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। कूल, चलिए लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग्स। अगर आपको स्प्रिंग के बारे में पहले से कुछ नहीं आता है, डोंट वरी, मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, किसी को अगर डाउट्स आए तो प्लीज़ बोलते रहना, ठीक है? मैं बताता रहूँगा। तो स्प्रिंग सब लोग जानते हैं स्प्रिंग के बारे में, तो ऐसे डिनोट करते हैं हम फिजिक्स में, बार बार आपको ऐसी चीज़ दिखेगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल भी दिख सकती है, वर्टिकल भी दिख सकती है। तो स्प्रिंग का फोर्स जो होता है एफ स्प्रिंग, वो होता है माइनस के एक्स। ओके, माइनस के एक्स
इसमें माइनस के एक्स का मतलब क्या है, देखो के जो होता है स्प्रिंग के लिए कॉन्स्टेंट होता है, के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ओके, सो के इज सिंपली स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ओके। अब देखो इसको पहले खींचा नहीं मैंने, ठीक है, यहाँ से जीरो है, खींचा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका नेचुरल लेंथ में है, तो एक्स कितना हो गया, जीरो। अब मान लेते हैं इसको थोड़ा सा खींच देते हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना खींचा है स्प्रिंग को, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स। तो एक्स को हम एक्सटेंशन और कंप्रेशन बोल सकते हैं, एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ओके। या तो इसको कंप्रेस करेंगे और या उसको खींचेंगे इन द स्प्रिंग। और इस माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है स्प्रिंग विल अपोज, ओके, अपोज करेगी, इसका मतलब अगर इसको दूर खींचोगे तो स्प्रिंग वापस खींचेगी, अंदर धकाओगे तो किधर धक्का देगी, बाहर। इसका मतलब, इस माइनस साइन का मतलब है कि स्प्रिंग जो आप करोगे उसका अपोजिट करेगी, ओके। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स में माइनस का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, एंड एक्स का क्या मतलब है, आई होप दिस इज क्लियर। ये एस एच एम की नेसेसरी कंडीशन होती है, एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये कंडीशन होती है एस एच एम की, आई होप दिस इज क्लियर। रीस्टोरिंग फोर्स है, यस, माइनस का मतलब हो गया है रीस्टोरिंग है, इसको दूर ले जाओगे तो वापस पास आएगा, रीस्टोर करता है ये अपने आप को, ओके। एक बार और समझाएं, कूल। देखो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्प्रिंग की जो आपको पता होनी चाहिए, कि आप स्प्रिंग को दिखाओगे ऐसे, डिनोट ऐसे करोगे, कूल, ये सबको समझ आता है। एफ इज माइनस के एक्स, इसमें देखो माइनस का क्या मतलब है, के का क्या मतलब है, और एक्स का क्या मतलब है, के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, जो गिवन होगा प्रॉब्लम में, के इज कॉन्स्टेंट, इसकी चिंता नहीं करनी है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, दिस विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, ओके। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, खींचोगे कितना जीरो से या उसको कितना कंप्रेस करोगे, वो है एक्स, ठीक है। और ये माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब है जो भी आप इसके साथ करोगे स्प्रिंग के, स्प्रिंग उसका अपोजिट करेगी, खींचोगे अगर उसको दूर खींचोगे तो स्प्रिंग अपने पास खींचेगी, अगर धक्का दोगे तो स्प्रिंग बाहर की तरफ धक्का देगी, इसका मतलब माइनस का मतलब ये हो गया कि अपोज करेगी ये, कूल कूल। हेलो कुलदीप, आई होप दिस इज क्लियर। फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का क्या सेंस है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्स, एफ इज फोर्स, बोलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इफ फोर्स इज क्लियर प्लीज टेल मी सो दैट वी कैन गो अहेड। सीबीएसई ने समीक्षा कौन सा पेपर रिलीज कर दिया है, प्लीज टेल मी फास्ट, जल्दी बताइए किसको दिक्कत है इस फोर्स में, क्लियर है, किसी को भी अगर डाउट है प्लीज टेल मी, मैं रिपीट कर दूंगा, बाकी इजी है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग की पहली चीज बताइए जो आपको पता होनी चाहिए, ओके, डन, कूल 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 कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज। तो सबसे पहले एक चीज पूछता हूँ आपसे, देखो क्या क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, स्प्रिंग ऐसे थी इनिशियली, ठीक है, ये एक्स कितना आपका, एक्स इज जीरो, ठीक है। अब इसको मैंने खींच के ऐसा कर दिया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी स्प्रिंग के बारे में नहीं पता उसको भी क्लियर होगा। यहां से जो डिस्टेंस है वो मैंने लिख दी वाई, ओके, ठीक है, तो ये वाली देख लेना, ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। तो आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, फोर्स इन द स्प्रिंग इज, फोर्स इन स्प्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, के स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका, ठीक है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, ए इज के वाई आई कैप, ऑप्शन बी इज माइनस के वाई आई कैप, ऑप्शन सी इज के वाई जे कैप, ऑप्शन डी इज माइनस के वाई जे कैप। बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से, फास्ट बोलो फास्ट, स्प्रिंग के बारे में जितनी चीजें ना, जितनी सब कुछ बता दूंगा मैं, कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, जहां भी पूरी फिजिक्स में जहां जहां स्प्रिंग्स यूज होती है सब कुछ मैं यहां बता दूंगा स्प्रिंग्स में, ओके, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, श्री श्रीवास्तव, यस, स्प्रिंग्स के बारे में जस्ट इंट्रोड्यूस किया है मैंने जस्ट। हेलो विश्वरंजन सेंधा बी, ओके, जल्दी आंसर दो। डॉक्टर जी ई सेइंग सी, विशाल इज सेइंग वन, प्रतीक्षा इज सेइंग ए, निशा इज सेइंग बी, विशाल इज सेइंग बी, विश्वरंजन इज सेइंग सी, डॉक्टर जी ई सेइंग सी, राधा भट्ट इज सेइंग माइनस के वाई जे कैप, जिद्दी स्टूडेंट इज सेइंग बी, निशा इज सेइंग बी, श्वेता इज सेइंग बी, ओके, जल्दी जल्दी आंसर दो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, ओके, सबको फायदा मिले, ताकि ए बी, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बी और सी आंसर आया अभी तक, है ना,
इसमें काफी लोगों का करेक्ट आंसर है और काफी लोगों ने गलत भी आंसर दे रहे हैं यार। इतना इजी अभी बताया मैंने कंसेप्ट। फास्ट बोलो, फास्ट, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके हाँ, रिपीट कर दूंगा विशाल, डोंट वरी, मैं समझाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। श्वेता, मैंने एसएचएम के 2-3 लेक्चर ले लिए हैं, आप देख सकते हो, बट इसमें एसएचएम का लेना देना नहीं है स्प्रिंग्स में। ओके, आपने अगर कुछ भी नहीं देखा है पहले का तो भी समझ में आएगा। ओके मैं बता देता हूँ, देखो, अब देखो, इसमें जिद्दी स्टूडेंट, एम हरिनी, एमान, समीक्षा राज, उर्मिला जायसवाल, प्रतीक्षा, श्वेता माने, निशा खाडोलिया, बृंदा, समीक्षा, जिद्दी स्टूडेंट, और कौन है, और कौन है, इन लोगों का सही है ये। ओके, बाकी लोगों का गलत है। बी इज करेक्ट आंसर, बी करेक्ट है, ठीक है, बी इज करेक्ट, बाकी लोगों का गलत है। देखो क्यों क्यों गलत है, देखो मैंने बताया था फोर्स के बारे में सब कुछ इजीली। फोर्स होता है माइनस के एक्स, माइनस का मतलब होता है अपोजिट। देखो के तो के है, तो मैं लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पे फोर्स, फोर्स लिखने जा रहा हूँ, तो फोर्स लिख रहा हूँ, फोर्स एफ इज इक्वल टू के लिख दो सबसे पहले तो, ठीक है। फिर एक्स होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो से, तो भाई ये वाई लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाई डायरेक्शन में है, ये जो लेंथ है वो वाई है, तो ये कितना खींचा है, जीरो से वाई खींचा है, तो के वाई। अब डायरेक्शन देखते हैं किधर खींचा, मैंने बताया था इस माइनस का मतलब होता है अपोज करेगा ये। ओके, माइनस विल अपोज, इसका मतलब ये हो गया। देखो किधर खींचा, प्लस एक्स में खींचा, तो फोर्स किधर लगेगा, माइनस एक्स में। मैंने प्लस एक्स में खींचा तो फोर्स किधर लगेगा, माइनस एक्स में। मैंने स्प्रिंग को इधर खींच के छोड़ा तो किधर जाएगी, इधर जाएगी ना, तो मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर। ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, माइनस आई कैप है ना यार, ये तो प्लस आई कैप है, ये उल्टी डायरेक्शन में क्या है, माइनस आई कैप, तो के वाई, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप लगा दो, समझे क्या। फोर्स क्या बन जाएगा, माइनस के वाई आई कैप। आई होप दिस इज क्लियर, किसी को पंगा है तो प्लीज बोलिए। फास्ट फास्ट, हेलो हेलो रजत, हाय रजत, लूसीफर, संजीवनी, प्रेरणा, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके फास्ट बोलो, समझ में आया क्या, यस। किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बोलो, मैं बता दूंगा, अभी वापस बता दूंगा। फास्ट, इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स प्लीज टेल मी, मैं क्लियर कर दूंगा, वरना आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी था ये। ओके ग्रेट कूल, आगे बढ़े। ओके फास्ट फास्ट, ठीक है, सर तुमचा लगन झाला का एनएस ट्यूटोरियल, हेलो, कोई बात नहीं विश्वरंजन, कोई बात नहीं। हेलो वेदांत, श्रीस, हरिनी, किसी को डाउट नहीं है, कूल, डाउट हो तो बोल देना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, ये समझ में आ गया तुमको, सिंपली ये समझ में आता है, कुछ भी नहीं है। अब देखना, एक सवाल और कर देते हैं सेम, जो तुम लोग सब सही बता दोगे। ओके, सेम तरीके का सवाल है, मेरे को मत पूछना, ये तुम लोग करेक्ट करोगे इसको। ये है आपका एम, ओके ये एम हो गया, ठीक है, ये था पहले एम था। अब देखो इसको जैसे ही मैंने छोड़ा, इसको रिलीज कर दिया, रिलीज, ये एक्स इक्वल टू कितना है, जीरो है। बाद में देखो इसको छोड़ा तो नीचे चलेगी ना स्प्रिंग, तो स्प्रिंग किधर चली गई भाई, नीचे चली गई, ऐसे चली गई, खिंच गई स्प्रिंग, ये एम यहां आ गया। अब देखो कितना नीचे खिंच गया, ये खिंच गया नीचे, एच एच नीचे चला गया, ठीक है, एच चला गया नीचे, तो इस पॉइंट पे यहां पे बताना है फोर्स इन द स्प्रिंग, ठीक है। ये देखना, ये है आपका वाई वर्टिकल में, ये आपका है एक्स हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए इज, सब लोग सही करोगे इसको, पुराने वाला सवाल है, के एच आई कैप, ऑप्शन बी इज, माइनस के एच आई कैप, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन सी इज, के एच जे कैप, ऑप्शन डी इज, माइनस के एच जे कैप। फास्ट बोलेंगे, जल्दी से सारे लोग बोल दो जल्दी से, सेम तरीके की प्रॉब्लम है, आई होप कोई गलत नहीं करेगा इसको यार, इतना इजी है ये, इजी पीजी, जल्दी से बोलो।
फास्ट 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 फास्ट। जिद्दी स्टूडेंट इज सेइंग बी, वेदांत इज सेइंग डी, एमान इज सेइंग डी, जाहिर इकबाल इज सेइंग डी, वृंदा इज सेइंग डी, श्रेयस श्रीवास्तव इज सेइंग सी, वेदांत इज सेइंग डी, एमान डी, श्री सी, एनएस ट्यूटोरियल डी, निशा खड़ोलिया इज सेइंग सी, वेदांत डी। फास्ट बोलो यार, फास्ट फास्ट। अनुराग इज सेइंग सी, प्रीति दुबे इज सेइंग डी, साहिल इज सेइंग डी, ओमकार इज सेइंग सी, प्रतीक्षा इज सेइंग सी, फास्ट साहिल डी, अनंत इज सेइंग डी, संदीप कुमार सी, राधा भट्ट डी, एम हरिनी बी, गौतमी सिद्धेश्वर इज सेइंग डी, साहिल अहमद डी, एडवर्ड पार्कर डी, अनुराग डी, विश्वरंजन डी, डी फॉर डन, डी फॉर डमरू, रामावतार डी, रेहान। ओके ओके, फास्ट फास्ट फास्ट, डी फॉर डन, गौतमी। हाँ 1 2 3 4 सारी लगा दो, हैं कोई तो सही हो ही जाएगा। सही है। ओके थ्री, नवीन थ्री, डी फॉर डॉक्टर। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके अब देखो, नवीन नवीन, ओमकार, निशा खड़ोलिया, श्री श्रीवास्तवा, ओमकार मोगले, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है अनुराग यादव, अंगद कुशवाहा। ठीक है, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, बाकी जनता का गलत है। ओके सी इज करेक्ट आंसर। यही समझाना चाह रहा था, यही समझाना चाह रहा था भाई, यही समझाना चाह रहा था तुमको। वेक्टर में प्रॉब्लम है, देखो कैसे, सी इज करेक्ट। मैंने बोला उन लोगों का करेक्ट है, सी करेक्ट है, बाकी गलत है। ठीक है, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। देखो सी क्यों है, सी कैसे आया। फोर्स लिखते हैं, फोर्स सिंपली, कुछ नहीं लिखना हमें। फोर्स के बारे में क्या जानते हैं, के एक्स लिख लो सबसे पहले, तो एफ के एक्स लिख दो। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है, के। कितना खिंचा हुआ है, एच खिंचा हुआ, तो के एच ही है, तो मुझे पता पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो के एच ही है, देखो सारे ऑप्शन में के एच ही है, डायरेक्शन अलग अलग है। अब देखो स्प्रिंग को छोड़ा तो किधर गई है, नीचे गई ना, नीचे। अरे भाई नीचे गई ना, नीचे गई तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। अरे भाई नीचे जा रही है चीज, स्प्रिंग को नीचे खींचा तो स्प्रिंग किधर खींचेगी, ऊपर। और ऊपर की तरफ क्या है, वाई है, तो वाई में क्या होता है, जे कैप। एक्स में क्या होता है, आई कैप। तो ऊपर की तरफ तो जे कैप है ना, तो क्या मतलब हो गया, के एच जे कैप। दिस इज द फोर्स, सी इज करेक्ट आंसर। माइनस से घबराना नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, कोई डाउट हो तो प्लीज टेल मी। प्रतीक्षा, हाँ आपने भी सी दिया था, सॉरी आपका भी करेक्ट था। हेलो विजय, हेलो स्वीट स्वीट स्वेतु, हेलो हाय। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, यस। बोलिए किसको दिक्कत है इसमें, फास्ट बोलिए वरना आगे बढ़ते हैं। किसी सज्जन को तकलीफ है तो बोल दीजिए, वरना आगे चलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं स्प्रिंग की जो बतानी बाकी है आज। ओके बहुत सारी चीजें बतानी है। ओके हाँ विश्वरंजन गलत हो गया। हाँ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन होता है। हाँ यही देख लो, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। ऐसा भी बोल सकते हो, यस जहीर इकबाल करेक्ट। आई एम गुड नवीन, आप कैसे हो, जयपुर। ओके कूल कूल कूल, समझ में आ गया सबको, बहुत इजी है यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ चुका है कि क्या है। अब देखो एक और चीज पूछ लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और पूछ लेते हैं। ये स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये एम है, ये आपका एक्स बराबर जीरो था, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये आपका एक्स इज इक्वल टू एल है। ठीक है ये समझ में आया, एक्स इज इक्वल टू एल है। और ये एंगल जो है, ये ध्यान रखना, ये एंगल आपका 45 डिग्री। ठीक है ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया। समझ में आता है, स्प्रिंग का फोर्स बताना है फिर से।
ये जो लेंथ है ना खींची हुई वो कितनी है, एल है। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये थोड़ा सा उनसे पिछली बार जैसा ही है पर थोड़ा उनसे अच्छा है। ठीक है अब देखना, किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है तो अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए इज माइनस के एल आई कैप प्लस के एल जे कैप। ठीक है ऑप्शन बी इज माइनस के एल बाई रूट टू आई कैप प्लस के एल बाई रूट टू जे कैप। ऑप्शन सी इज के एल बाई रूट टू आई कैप माइनस के एल बाई रूट टू जे कैप। ऑप्शन डी इज नन। बोलिए क्या आंसर आना चाहिए फास्ट, ये उनसे थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ओके श्रद्धा दास, हेलो रैंकर्स गेमिंग, गुड इवनिंग पुष्पम, गुड इवनिंग। बोलिए स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, सवाल समझ में आना चाहिए। देखो स्प्रिंग कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है कितना खींच दिया, एल खींच दिया। ओके फास्ट फास्ट बोलो बोलो। फर्स्ट आंसर देंगे जल्दी से जनता, सी सी जनता बोल रही है, सी बी भी बोल रहे हैं कुछ। ओके सो निशा इज सेइंग सी, अश्विनी इज सेइंग बी, अनंता इज सेइंग बी, नवीन इज सेइंग टू, श्रद्धा देश बी, अनुराग यादव बी, पटेल हेलो गुड आफ्टरनून पटेल, दिनेश भाई, श्री सी सेइंग टू, संदीप इज सेइंग बी, श्वेता इज सेइंग सी, प्रतीक्षा इज सेइंग सी, जिद्दू स्टूडेंट ए, राधा भट्ट सी, अनुराग यादव बी, बी होगा कन्फर्म, अथर्वा सी, ओमकार ए, श्वेता बी, विश्वरंजन बी, विकास शिला सी, रामावतार सी, विजय सी, नवीन बी। ओके स्वीट स्वीट स्वेतु बी, संजीवनी बी, अथर्वा, श्वेता बी, एनएस ट्यूटोरियल सी, जाहिर इकबाल बी, गौरव गौरव 3 बजे आते हैं रोज, 8:30 PM रोज 3 PM पे लाइव आते हैं। 12th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं हम जीरो से। ओके इन 2 और 3 डेज क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं। सी हेलो शिशिर गुप्ता सी। अब देखो बहुत सारे लोगों का सही है और बहुत सारे लोगों का गलत है। ओके जिन जिन लोगों का आंसर बी है उनका करेक्ट है, बाकियों का गलत है। अथर्वा तुम्हारा भी गलत हो गया। ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी नहीं है। तो बी वाले लोगों का आंसर सही है, बाकी का गलत है। यस गौरव ड्रॉपर्स के लिए सबके लिए, यस गौरव 3 PM डेली। देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सबका गलत है। ठीक है ओके अनंतपुर से हो नवीन वेलकम। ओके 3 बजे आता हूँ लाइव में। बी ऑप्शन करेक्ट है, सी गलत है। देखो कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे बना दी मैंने, ये स्प्रिंग बना दी। ठीक है कितना खींच दिया भाई इसको, एल खींच दिया ना। तो स्प्रिंग में फोर्स कितना होता है, के एक्स होता है, ये ध्यान रख लेना, के एक्स होता है। ध्यान दे लेना इस पे, स्लाइड पे ध्यान रखना किधर लगेगा। मैंने ऐसे खींचा है देखो तिरछा, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर इधर खींचा तो फोर्स इधर लगेगा। तो इस तरफ फोर्स लग रहा है कितना, के इंटू एल, ये ध्यान रख लेना। ये एंगल कितना है भाई, 45 डिग्री। तो बस के एल फोर्स ऐसे लग रहा है, ये के एल फोर्स लग रहा है। ये एंगल कितना है भाई, 45 डिग्री है ना। ये इधर क्या है भाई, वाई है, इधर कितना, एक्स है। तो भाई इस तरफ क्या कंपोनेंट आया, के एल कोस 45। इधर ऊपर कंपोनेंट क्या आया भाई, के एल इस डायरेक्शन में, के एल साइन 45। अब जानते हो के एल साइन 45 भी के एल बाई रूट टू होता है, और के एल कोस 45 भी कितना होता है, के एल बाई रूट टू। अब देखो ये डायरेक्शन तो है माइनस आई कैप, और ये डायरेक्शन कौन सी है ऊपर वाली, प्लस जे कैप। तो अपना फोर्स क्या बना भाई, फोर्स देखना, फोर्स क्या बनेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस में बन गया ना आई कैप में, तो माइनस के एल बाई रूट टू आई कैप,
ये प्लस में मर गया जे कैप में, प्लस KL/√2 JK। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। बोलो किसको तकलीफ है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है ये, किसी को तकलीफ आई क्या? हाँ विश्व रंजन इस बार करेक्ट है। गुड आफ्टरनून वंस, गुड आफ्टरनून। बी समझ में आ गया क्या? अगर किसी को तकलीफ है तो बोलिए। बी इज करेक्ट आंसर। और कैसे किया मैंने सोल्व कर दिया है स्प्रिंग का। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, ओके? और मेरे को बताइए इफ यू हैव एनी डाउट। यस वंस, गॉड ब्लेस यू ब्रो, आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते हो। सब लोग डॉक्टर बन जाओ, तुम जितने भी हो सब डॉक्टर बन जाओ। आई विश कि सब डॉक्टर बन जाओगे। गौरव स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का। हेलो आर्मी बॉय क्रिस, हाय। हेलो मुरारी लाल, हाय कैसे हो? नवीन वेंकट, आई एम फ्रॉम जयपुर ब्रो, जयपुर से हूँ मैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, ओके? जिद्दी स्टूडेंट इज सेइंग एक बार और। चलो मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है? एक बार और बता देता हूँ, ठीक है जिद्दी स्टूडेंट? देखो मैंने एल से इधर खींचा था, देखो एल से इधर खींचा ना स्प्रिंग को भाई, तो स्प्रिंग को जिधर खींचोगे उससे अपोजिट फोर्स लगेगा। कितना लगता है फोर्स? फोर्स का मैग्नीट्यूड तो के एक्स होता है, तो के इंटू कितना खींचा हुआ है? एल खींचा हुआ है, तो फोर्स के एल है किधर? इधर। तो के एल फोर्स लिख दिया मैंने, देखो इधर। अभी के एल फोर्स एक्स से कितना एंगल बना रहा है? 45। वाई से भी कितना बनाएगा? 45। इस के एल के कॉम्पोनेंट कर लो, एक्स में होगा के एल कोस 45, वो कितना हो जाएगा? के एल बाई रूट टू। वाई में क्या होगा? के एल साइन 45, वो भी क्या हो जाएगा? के एल बाई रूट टू। अब वाई में होती है जे कैप और इधर डायरेक्शन में माइनस आई कैप होती है, तो के एल बाई रूट टू माइनस आई कैप प्लस के एल बाई रूट टू प्लस जे कैप। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हाँ हाँ श्वेता, नेगेटिव का मतलब है कि इधर खींचा तो फोर्स इधर लगेगा, समझे? हाँ रमोतार, वेक्टर का एक दिन सेशन ले लूंगा मैं, ओके? ओके ग्रेट। हाँ तुम सब लोग डॉक्टर बन जाओ, फिर मेरा फ्री में इलाज करना कभी बीमार हो जाऊं तो, है ना? ओके नया चैप्टर गौरव 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का, ठीक है? अब देखो चलो एक और ले लेते हैं ना, एक ऐसा ही तुम्हें और दे देता हूँ, वो तुम करोगे। ऐसे स्प्रिंग है, ये एम है, कितने दबाया भाई इसको? देखो ये एक्स इज इक्वल टू कितना है? 0 है। अब मैंने किधर कंप्रेस किया ये ध्यान रख लेना, इधर दबा दिया इसको, कंप्रेस किया ध्यान रखना, इस बार खींचा नहीं है, पहले खींच रहे थे, इस बार कंप्रेस किया है। कितने से कंप्रेस कर दिया? एल से। किधर कंप्रेस किया? इधर ऐसे कंप्रेस कर दिया, कितने से? एल से। समझ आया स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है? के। ठीक है, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल है 45 डिग्री। कूल समझ में आता है? तो आपको बताना है स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। सो ऑप्शन ए इज KL/√2 I कैप प्लस KL/√2 J कैप, ओके? ऑप्शन बी इज माइनस KL/√2 I कैप प्लस KL/√2 J कैप। ऑप्शन सी इज माइनस KL I कैप प्लस KL J कैप। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। बोलिए कौन सा आंसर आएगा फास्ट। समझ में आया क्या? सवाल समझ में आ गया सबको? तो जल्दी से बता दीजिएगा फास्ट। सवाल समझ में आ गया? क्लियर है? ए ए बोल रहे हैं लोग, ए ए ए ए ए।
हाँ मुरारी लाल, ड्रॉपर्स बैच स्टार्ट करने वाले हैं, 12th का सिलेबस ऐसे दबाया इस बार, ठीक है। ए ए ए ए हेलो पूजा, हाय अश्विनी, ए ए ए बोल रही है जनता। नवीन क्या डाउट है प्लीज बोलिए। हाँ सही बोल रहे हो शिशिर। बोलिए जल्दी बोलिए। ए अभी देखते हैं आंसर। ए बोल रहे हैं, मैंने ए नहीं बोला है भाई, सब लोग ए बोल रहे हैं। जिद्दी स्टूडेंट इज सेइंग बी, जिद्दी स्टूडेंट्स और बोल रहे हैं बी। ओके ग्रेट फास्ट। पटेल दिनेश भाई सेइंग डी। ए देखो जिन लोगों ने अब समझ आ गया, अब मैंने दो तीन सवाल करा दिए, अब तुमको समझ आ गया आई होप। ए इज करेक्ट आंसर, देखो कैसे कैसे करेक्ट है। अब ये ध्यान रख लेना, स्प्रिंग को ऐसे दबाया है, दबाया है तो ये किधर करेगी फोर्स, भगाएगी। इसको दबाओगे तो यार दूर फोर्स लगाएगी ना, तो मैंने इसको जैसे ही दबाया इधर एल से, ये फोर्स किधर लगाएगी इधर, इस एम को किधर भगाएगी इधर, कितने से के इंटू एक्स, के कितना दबाया एल, तो के एल फोर्स लग गया। कितना एंगल है यहाँ से देखो, सिंपली दिख रहा है ना यार, ये कितना एंगल है 45 डिग्री, और ये है आपका वाई और ये है आपका एक्स। आई होप दिस फोर्स इज क्लियर। इसका मतलब के एल किधर है, इधर है के एल। एक्स से कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे। ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई है भाई, ये कौन सी एक्स। इधर क्या कंपोनेंट आएगा, के एल कोस 45 डिग्री, ठीक है आई कैप में। और इधर क्या है, के एल साइन 45 डिग्री, किधर जे कैप में। सो के एल साइन 45 डिग्री जे कैप। तो आई कैप वाले फोर्स वेक्टर लिख लो, एफ वेक्टर कितना आ जाएगा, के एल कोस 45 कितना होता है, रूट टू, रूट टू आई कैप, प्लस के एल साइन 45 भी कितना होगा, के एल बाई रूट टू, किधर जे कैप। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। स्प्रिंग फोर्स का क्या सीन है समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है क्या, बोलो। हाय सीबीआई सलमान, हाय। ओके ग्रेट, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हाँ राम अवतार आपका सही हो गया, ग्रेट। हाँ निशा कहाँ मिल चुके हैं पता नहीं, आपने लेक्चर देखा होगा। आई होप दिस इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को तकलीफ है तो प्लीज बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अश्विनी क्लास अपना अच्छा, निशा ओके ग्रेट। हेलो यशवंत, हाय कूल, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब स्प्रिंग का फोर्स में बताओ, फोर्स क्लियर है क्या, फोर्स की चीज क्लियर है क्या, फोर्स इज क्लियर और नॉट, किसी को तकलीफ है क्या। तो आगे बढ़ते हैं, एनर्जी पे बढ़ते हैं, एनर्जी पे। फोर्स अगर क्लियर है, हाँ राधा भट्ट बोलिए, क्या बोल रहे हो। वेक्टर रिजोल्व करना बताऊं, देखो वेक्टर रिजोल्व करना सिंपल चीज है। वेक्टर्स देखो मैं कैसे रिजोल्व कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, ये है आपका एक्स डायरेक्शन, ये है आपका वाई डायरेक्शन। वेक्टर रिजोल्व करने का एक सिंपल सिंपल क्या, सबको यही आता ही है। ये है आपका 10√2, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। इधर है आपका 5 न्यूटन, ये 10√2 न्यूटन, और इधर है आपका 10 न्यूटन। तो एफ नेट बताइए, एफ नेट कितना आएगा, देखो कैसे रिजोल्व करेंगे, बोलेंगे एफ नेट कितना आएगा। सो ऑप्शन ए इज 5 जे कैप, ऑप्शन बी इज 5 आई कैप, ऑप्शन सी इज
5√2 आई कैप, ऑप्शन डी इज 5√2 जे कैप, ऑप्शन ई इज नन। बोलिए क्या आएगा, रिजोल्व करना बता देता हूँ मैं जल्दी से, किसी ने बोला है तो सिंपल, इनमें से बताइए कौन कौन सा ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ओके जल्दी से आंसर देंगे, छोले भटूरे आज किसके साथ मैच है? फर्स्ट ए ए होगा ए, अभी देखते हैं क्या होगा। ए डी ए, यस ए इज करेक्ट। देखो किसी ने पूछा था वेक्टर रिजोल्व कैसे करते हैं, तो मैं बता देता हूँ, ए इज करेक्ट। देखो कैसे रिजोल्व करते हैं, जो एक्स और वाई में है उनको रिजोल्व नहीं किया जाता है। देखो 5 न्यूटन 10 न्यूटन है, इनको रिजोल्व नहीं करना है, सिंपली जो तिरछा है ना आड़ा टेढ़ा है उसको रिजोल्व करना है। तो 10√2 है, 10√2 को देखो जब भी जिस डायरेक्शन में थीटा हो, जिस भी डायरेक्शन में, ये ए है और ये अगर थीटा हो तो जिस तरफ थीटा हो उधर कोस कंपोनेंट लिख दीजिए ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या लिख दीजिए ए साइन थीटा, बस इतना ध्यान रखना है। तो 10√2 का क्या बन जाएगा, इधर 10√2 cos 45 डिग्री, इधर कितना बनेगा 10√2 sin 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, तो टोटल देखो किधर किधर फोर्स है, 10 और 5 तो ऐसे कैसे ही है, तो 10 इधर है 5 इधर है, इधर कितना है देखो 10√2 cos 45 डिग्री, सो 10√2 cos 45 डिग्री है। ठीक है, और इधर कितना है देखो ऊपर कितना है 10√2 sin 45, तो लिख दो 10√2 sin 45 डिग्री लिख दो। तो ये कितना हुआ, 1/√2 है, √2 से √2 कट गया 10 हो गया, ये भी 1/√2, √2 से √2 कट गया, ये भी कितना हो गया 10, तो इधर भी 10 इधर भी 10, ये तो 0 हो गया x में, तो x में तो 0 हो गया ना, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, 0 हो गया, ऊपर 10 है नीचे 5 है, तो ऊपर कितना बच गया 5 बच गया ना, ऊपर 10 नीचे 5, ये 10 ये 10, तो x में तो 0 हो गया, 10 माइनस 10, ऊपर 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, ऊपर की तरफ है तो कितना हो गया जे कैप, तो 5 जे कैप इज करेक्ट। रिजोल्व करना तो सबको आता है मेरे हिसाब से, ईजी है ये, इसमें कोई लोड नहीं है। ओके जय माय स्मते, टेक माय नेम, से माय नेम, हाइजेनबर्ग, यू आर गॉड डेम करेक्ट, यू आर गॉड डेम राइट। ओके कूल 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 कूल, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो एनर्जी, स्प्रिंग्स के बारे में सारी चीज पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी मैंने पहले भी बता दी, एक बार और बता देता हूँ, स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो फोर्स बता दिया मैंने, एनर्जी देखो एनर्जी, अभी तो स्प्रिंग के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो एनर्जी कैसे लिखोगे, अगर आपको बोल दिया ये एम मास है, ठीक है, ये कितना एक्स इज इक्वल टू 0 है, अब क्या कर दिया मैंने इसको खींच दिया, इसको इलोंगेट कर दिया, कितना, इफ यू इलोंगेट दिस स्प्रिंग बाई लेट से एक्स, तो यहां पे कितना खींच दिया इसको एक्स, तो आप सिंपली इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, समझे क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है के, ये आपको याद रखना है, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की। फोर्स कितना होता है, फोर्स मैंने बता दिया माइनस के एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके ग्रेट, अश्विनी देवता एक बार मैं सब कुछ सवाल करा दूं, फिर मैं सवाल है मेरे पास वो करेंगे अपन। कटप्पा कूल 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 ओके देखो, अब देखो जैसे यू मैंने लिखा ना, यू यू क्या लिखा, यू लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आप फोर्स जानते हो ना यार, यू से ही निकाल सकते हो फोर्स, कैसे देखो
इसका अगर ग्राफ भी बना सकते हो, फोर्स कैसे लिखते हो, फोर्स लिखते हो माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो देखो माइनस डी यू बाई डी एक्स करते हैं, तो माइनस डी बाई डी एक्स, यू कितना है भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो देखो माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2, के का के, एक्स स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन भाई, 2x। के तो कांस्टेंट है ना, 2 से 2 कट गया। देखो अपने पास डायरेक्ट फोर्स अपने आप ही आ गया, एफ कितना, माइनस के एक्स। इसका मतलब अगर एफ एनर्जी यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो फोर्स कितना होगा, माइनस के एक्स। ये हम जानते ही हैं, समझते हो? हाँ ग्रेट। कूल है, ओके। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ओके ग्रेट, अच्छा हूँ डॉक्टर। कार्डियोलॉजी पंथ, आप कैसे हो? हेलो, ओके, थैंक यू पूजा, कूल। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आंसर दोगे। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज यू व्हेन स्प्रिंग इज इलोंगेटेड बाय एक्स, ओके, ये दे दिया। इफ द एनर्जी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव यू, देन इलोंगेशन इज इक्वल टू वॉट, ठीक है? अगर 25 टाइम्स होनी चाहिए होगी एनर्जी, ये 25 U है, ठीक है? अगर एनर्जी 25 U हो गई है ना, 25 U है ये, तो इलोंगेशन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए इज 4x, ऑप्शन बी इज 3x, ऑप्शन सी इज 5x, ऑप्शन डी इज 2x, ऑप्शन ई इज नन। बोलिए फास्ट। फास्ट, हाँ पंथ, हेलो डोन भाई, डोन भाई जफर, डोन कैसे हो? सीएसके और आरसीबी का मैच है क्या आज, किसको सपोर्ट कर रहे हो? फाइव, वरी नहीं सेइंग 5x, ओके अभी देखते हैं। सी 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 बोल रही जनता, प्रज्ञा, राधा, जहीर इकबाल, पंत, सी फोर, सी एस के, चेन्नई सुपर किंग्स, थाला। सी 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 सी, तुम तो होशियार हो यार, सबके सब, मेरे को लगा कि तुम लोग होशियार नहीं हो, सब जनता होशियार है इधर। यस करेक्ट, सारी जनता सी बोल रही है, सारी जनता का इंतु हाई है इधर, जोश हाई है। सी इज करेक्ट भाई, सी इज करेक्ट है। देखो कैसे सिंपल दिख रहा है, यू कितना है, यू यू है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये लिख दिया। अब यू को कितना कर दिया, 25 U इज इक्वल टू हाफ के, मान लेते हैं इसको वाई स्क्वायर मान लेते हैं, तो इनको डिवाइड कर दो, यहाँ से सिंपली डिवाइड कर दो। इसका मतलब वाई की जगह, देखो अगर एक्स की जगह 5x लिख दोगे, अगर इफ एक्स की जगह 5x लिख दोगे, तो देखो क्या बनेगा, 1/2 के 5x होल स्क्वायर, 5 बार आएगा तो कितना बनेगा, 25 हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना बन गया, 25 × U। इसका मतलब 5x कर दोगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 25 गुना, 25 टाइम, 25 गुना, 25 गुना, 25 खोखा, 5x इज करेक्ट। समझे क्या? इजी है, इजी पीजी, ग्रेट। फ्री फायर कौन खेलता है यार, फ्री फायर तो बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे चौथी में, ओके 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 ओके। ओके हाँ, फ्री फायर खेला करो, मिनी मिलिशिया खेलता है कोई, मिनी मिलिशिया,
पबजी मिनी मिलेशिया फ्री फायर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। पबजी मिनी मिलेशिया खेलता है कोई? आंसर का कोड क्या है? आंसर का कोड है सी भाई। अच्छा सैयद, कूल। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो एक अभी अच्छा सवाल करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना। एक एम मास है, एम, ठीक है, इसको ऐसे गिराया, ठीक है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हाइट आपकी एच, ठीक है, रिलीज कर दिया हमने। बाद में देखो क्या हुआ, बाद में ऐसा हुआ, बाद में कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ नीचे आ गया, गिरा ना जब, तो यहाँ नीचे आ गया ये ऐसे, और स्प्रिंग ऐसे हो गई। के स्प्रिंग कांस्टेंट है ये आपका, ठीक है, तो ये हाइट तो हमें दे रखी है एक्स की, एक्स कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, ठीक है, और यहाँ एम जो इसके अंदर आ गया, तो राइट इक्वेशन इज, करेक्ट इक्वेशन इज, देखना मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन ए आपको मैं दे रहा हूं, एम जी एच प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऑप्शन, अच्छा सवाल है ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी इज एम जी एच प्लस एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी इज नन। बोलिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ओके, ये मैं बता देता हूँ। बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? अच्छा सवाल है, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वो कौन सी मूवी में बोलता है यू आर ए गुड क्वेश्चन वाला? राइडर हो, रोड पे खेलते हो रजत, अच्छा ग्रेट। कौन सी बाइक है तेरे पास? सवाल समझ में आया क्या? दिखने में अच्छा दिख रहा है कि नहीं सवाल? समझ में आया कि नहीं आया? दिखने में तो सुंदर लग रहा है कि नहीं सवाल? ऊपर से रिलीज किया, ये इस पे गिरा, चिपक गया, नीचे दबाया, कितना एक्स नीचे दबा दिया, तो आपको बताना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। फर्स्ट, ऊपर से गिराया, ये इस पे चिपक गया, पेन को नीचे दबाया, एक्स नीचे दबा दिया स्प्रिंग को, तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी? ओके, बी, श्री सी सेइंग बी, पुष्पम बी, विकास बी, बी बोल रही है जनता, सैयद सब लोग बी बोल रहे हैं, फेंटा क्यों ऐसा ना, फेंटा, हाँ बी 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 बी, साइकिल है क्या नवीन? अच्छा बी 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 की वाइंस, अश्विनी सिंह नन, बी बी की वाइंस कैसे बोल रही जनता? बहुत सारी जनता बी बी की वाइंस बोल रही है। ओके, फास्ट 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 फास्ट, बी फॉर बुलेट,
बी फॉर बबीता, यस बी इज करेक्ट। हरिनी जिद्दी स्टूडेंट, एक गलत है, बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। देखो कैसे सिंपल है यार, या तो आप लिख दो कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, एम जी, यहाँ पहले यहाँ थी तो ये हाइट एच है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है एम जी एच, तो एम जी, ठीक है, एम जी इंटू, यहाँ पहले क्यों किसमें थी पोटेंशियल थी, तो एम जी कितनी थी, एच प्लस एक्स थी ना यार, यार यहाँ से टोटल हाइट एम जी एच प्लस एक्स होगी ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, स्प्रिंग में, स्प्रिंग में कितनी होती है, हाफ की एक्स स्क्वायर, सिंपल बस ये था। ये आप ऐसे भी लिख कर सकते हो इसको, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी से भी कर सकते हो। देखो पहले ऊपर से छोड़ा, जब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, यहाँ रुक गया तब भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो जीरो हो गया। वर्क डन देखो किसका, ग्रेविटी का, कितना नीचे लाए, यहाँ से यहाँ तक नीचे लाए, कितना, एच प्लस एक्स, तो एम जी भी किधर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, नीचे, तो इसका वर्क डन क्या हुआ, एम जी एच प्लस एक्स। स्प्रिंग का कितना वर्क डन होगा, माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग का वर्क डन माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एम जी एच प्लस एक्स क्या हो गया, एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ की एक्स स्क्वायर। या तो आप ये मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, या आप लगा सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में बदल जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, एम जी एच प्लस एक्स, ये किस में बदल गया, काइनेटिक में, सॉरी उसकी पोटेंशियल में बदल गया, ठीक है, डेल्टा पी जो है आपका पूरा का पूरा किस में बदलेगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग में चली जाएगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलिए फास्ट, जल्दी बोलिए। एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा ना, देखो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, समझे, अगर एम दिया हुआ हो, जी दिया हुआ हो, एच दिया हुआ हो, के दिया हुआ हो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डॉक्टर रॉय, नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूट्यूब पे, इलेक्ट्रो एंड स्पेशल क्लासेज अपनी ऐप पे, ऑप्टिक्स, ठीक है, दो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, एमए में बंटा है, सुनते हो क्या? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो था वो कितना हुआ, नीचे आया, कितना, एच प्लस एक्स नीचे आया, तो चेंज कितना हुआ, एम जी एच प्लस एक्स, ये किस में बदल गया, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपली एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आया बच्चों, ग्रेट, कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो देखो। क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन है, एम के एम के 45 डिग्री, एम के, ठीक है, तो मैं देखना क्या पूछना चाह रहा हूं तुमसे, इसका टाइम पीरियड है T1, इसका टाइम पीरियड है T2, इसका टाइम पीरियड है T3, सो करेक्ट ऑप्शन देखना है, करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन ए इज T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ऑप्शन बी इज T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ऑप्शन सी इज T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ऑप्शन डी इज T1 इज इक्वल टू T2 ग्रेटर देन T3, बोलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, फास्ट तेज तर्रार आंसर दीजिए। मोनिका राज, 3 PM यूट्यूब पे रोज 3 बजे, वेव श्री श्रीवास्तव, वेव भी स्टार्ट करते हैं, वेव भी पढ़ाएंगे। यू कैन प्लीज फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, आप मेरे को अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ओके, अन अकेडमी पे ऐप पे जाके मेरी प्रोफाइल का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी प्रोफाइल का लिंक देख सकते हैं,
वहाँ से अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड मी योर डाउट्स देयर. ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइस. थैंक यू सो मच. ओके, सो थ्री, सी बोल रही है, डी बोल रही है, जनता कुछ सी बोल रही है, कुछ डी बोल रही है, कुछ बी भी बोल रही है. ओके, सी सी सी, पुष्पा मड़क इज सेइंग बी. सिर्फ स्प्रिंग पढ़ेंगे आज, स्प्रिंगों का काम खत्म कर देंगे भाई. स्प्रिंग अपने जीवन में एक टेंशन नहीं रहेगी कभी भी. ठीक है, सी हेलो जेनिया, हाय. ओके ज्योति, देयर आर थ्री सिचुएशंस. इन फर्स्ट सिचुएशन स्प्रिंग इज वर्टिकल, इन दिस केस टाइम पीरियड इज T1. इन सेकेंड केस स्प्रिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड टाइम पीरियड इज T2. इन थर्ड केस द स्प्रिंग इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. ओके, एंड इन दिस केस द टाइम पीरियड इज T3. सो यू हैव टू कंपेयर T1, T2 एंड T3. सो ऑप्शन आर गिवन, यू हैव टू चूज विच ऑप्शन इज करेक्ट. ओके ग्रेट. फास्ट 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 बोलेगी जनता. मुन्ना भैया, ग्रेट. सी ऑप्शन जिन लोगों ने दिया करेक्ट है, सी करेक्ट है. देखो मैंने बताया था पहले भी, सी इज करेक्ट. देखो टी होता है आपका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k. ठीक है, 2π√m/k ये टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग वाले का. ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लेना, टी इज इक्वल टू 2π√m/k. ये कैसे आता है ये भी मैंने बता दिया था. अब यहाँ पे देखो, ना तो ये एम जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ना ये के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. यार मास चेंज होता है क्या, उल्टा तिरछा कर दो तो? के चेंज होता है क्या, उल्टा तिरछा कर दो क्या? तो एम भी कॉन्स्टेंट रहता है, के भी कॉन्स्टेंट रहता है. तो तीनों केस में T1, T2, T3 इक्वल होंगे, और ये कितने होंगे, 2π√m/k. क्योंकि ना तो डायरेक्शन और उल्टा सीधा करने से मास चेंज होता है, ना ही स्प्रिंग कॉन्स्टेंट चेंज होता है. ओके, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी. आई होप दिस इज क्लियर. गुड आफ्टरनून विनय भगत. यस प्रतीक्षा, यस बोलो, समझ में आया क्या? फास्ट बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए. हाँ कुछ भी एंगल हो कमलेश, यस इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डेफिनेटली. रैंकर्स गेमिंग, फ्री फायर यार एक दो बार खेला था, मुझे अच्छा नहीं लगा. यस ग्रेट ग्रेट क्लियर. ओके ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. अब देखो आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. क्या? एनर्जी बता दी मैंने, फोर्स बता दिया. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है एक. स्प्रिंग कांस्टेंट क्या, स्प्रिंग फोर्स क्या बताया मैंने, स्प्रिंग फोर्स के एक्स है ना, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स बताया मैंने, स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स. ये सबको क्लियर है, मैंने इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी करा दी है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब देखो जो के है ना, के अगर स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, तो अगर ये स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है अगर, और इसका कांस्टेंट क्या है, के. ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ये ध्यान रख लेना पर आप. ठीक है, लेंथ ज्यादा होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब लेंथ ज्यादा तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम. ध्यान रखना है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और वी कैन से के एल इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इससे बहुत सारे सवाल होंगे. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. कूल, कूल है क्या? ओके ओके, अब देखो इसके प्रॉब्लम कैसे आएंगे, इसके सवाल कैसे आएंगे, इसके सवाल कैसे आएंगे. क्वेश्चन इज ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के के
इज कट इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स, वॉट विल बी द फोर्स कॉन्स्टेंट फॉर ईच पार्ट? ओके, स्प्रिंग को कितने पार्ट में कर दिया? देखो, एक स्प्रिंग थी मेरे पास, ये स्प्रिंग थी एक, आई हेट दिस स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना था? के। इसको मैंने तीन टुकड़ों में कर दिया भाई, K1, K2, K3 हो गए। तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ कि K1, K2, K3 क्या है, ठीक है? सो 3K, K1, K2, 3K, K3, 3K। ऑप्शन बी इज K/3, ऑप्शन K/3, K/3, ऑप्शन सी इज K, 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 ऑप्शन डी इज नन। तीन पार्ट में काट दिया तो सबका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या क्या हो जाएगा? अब फास्ट स्टैंड ऑफ के लिए अच्छा सीरीज देखता हूँ। देखें, हाँ, आरएस आरएस आप पूछ रहे हैं, सीबीएसई 12th बोर्ड्स पीसीबी का प्लस सब्सक्रिप्शन सही रहेगा? हाँ आरएस, यू कैन यूज माय कोड DS01। ओके, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं वहाँ पे, आपको डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा आरएस सर। बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, कूल रहेगा सीन। यस यस तबस्सुम, ए बी सी लोग आंसर दे रहे हैं, बी बी भी दे रहे हैं। सी भी दे रहे हैं, अथर्वा बी दे रहा है, सी भी दे रही है जनता। फास्ट बोलिएगा फास्ट। बी सी हाँ, आरएस पीसीबी का प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, बहुत सारे टीचर्स हैं तो आपको जो इच्छा हो उससे पढ़ सकते हो। एंड यू कैन यूज माय कोड DS01 टू गेट डिस्काउंट। ओके, बी बी बोल रही है जनता बहुत सारी। श्रीस, विकास, बृंदा, अरविंद बिश्नोई, प्रतीक्षा, आप लोगों का करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए करेक्ट है। देखो, अभी भी तो बताया मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब लेंथ कम तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ज्यादा। तो देखो, पहले एक स्प्रिंग थी, इस पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है के, लेंथ कितनी ले ली थी इसकी एल, अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसकी कितनी L/3, कॉन्स्टेंट कितना K1, दूसरे वाले की K2, इसकी भी लेंथ कितनी L/3, तीसरे वाले की लेंथ भी कितनी L/3, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना मिल गया K3। तो मैंने क्या बताया, देखो ये रहा, यहां से के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ध्यान रखना बस, के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सबके लिए के एल कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब पहले वाली स्प्रिंग के लिए कितना था के एल बराबर K1 इंटू के एल, इसके लिए कितना होगा K1 इंटू L/3, दूसरे के लिए कितना होगा K2 इंटू L/3, तीसरे के लिए कितना होगा K3 इंटू L/3। इसका मतलब लेंथ सेम है इनकी, तो इनका तो सेम ही होगा, किसी भी एक का निकाल लो, K1 L/3 इज इक्वल टू KL, एल से एल कट गया, K1 कितना आ गया K, एस K1 कितना आ गया 3K, ऐसे ही K2 भी कितना आ जाएगा 3K, ऐसे ही K3 भी कितना आ जाएगा 3K। सिंपल है यार, आपको देखते ही समझ आना चाहिए, L/3 कर दिया तो तीन गुना हो जाएगा सिंपली, कौन सा आंसर आ जाएगा 3K 3K 3K। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है, नहीं तो वापस बोलते हैं। फास्ट बोलेगा फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या कि स्प्रिंग्स हो गई अभी है ना, अपन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें काम आएगा है। ओके, समझ में आया क्या क्या किया इंपॉर्टेंट है बहुत? नारायण सिंह 654 मिल रहा है, KGMC मिल जाएगा क्या? हाँ, कौन सी कैटेगरी है नारायण सिंह? हाँ, रैंकर्स गेमिंग खेलते हैं। अथर्वा गलत कर दिया, समझ में आया क्या क्या गलत किया? प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके ऐश्वर्या, श्रीन, तबस्सुम, किसी को तकलीफ हो तो प्लीज बोल दीजिएगा।
रैंकर्स गेमिंग कौन है भाई ये? चैनल को सब्सक्राइब करने का बोल रहा है लड़का, जो भी फ्री फायर खेलते हैं। ओके ग्रेट। हाँ काफ़ी लोगों ने गलत किया, बट अभी गलत नहीं करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अब इसको मैं फोर पार्ट में डिवाइड कर देता तो बोलिए कितना होता। इफ़ आई डिवाइड दिस स्प्रिंग इन फोर पार्ट्स, ये के था, इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी। फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल। फोर पार्ट्स, फोर के फोर कैसे हैं, इक्वल है। तो बोलो कौन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या क्या हो जाएंगे। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, फोर के फोर के फोर के फोर के। ऑप्शन बी इज के बाई फोर, के बाई फोर, के बाई फोर, के बाई फोर। ऑप्शन सी इज के। ऑप्शन डी इज नन। बोलो क्या आ जाएगा इस बार, इस बार क्या आना चाहिए। यस यस ग्रेट ग्रेट। फोर के यस कूल। देखो एल बाई थ्री हुआ तो कितना हो गया, थ्री के थ्री के थ्री के। एल बाई फोर हो गया तो कितना हो गया, फोर के फोर के फोर के फोर के। यस फोर के इज करेक्ट। अगर एल बाई फाइव हो जाता तो क्या हो जाता, फाइव के फाइव के फाइव के। एल बाई टू के हो जाता तो टू के टू के। एल बाई सिक्स हो जाता तो सिक्स के सिक्स के सिक्स के। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके किसी को डाउट नहीं है। ठीक है अब देखो, अगर इसके दो पार्ट कर देते हम, दो पार्ट कर दिए ये, तो इसका अगर के है तो इसका कितना हो जाएगा, टू के टू के। अगर इस के तीन पार्ट कर दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, थ्री के थ्री के थ्री के। अगर मैंने इसके चार पार्ट कर दिए, अगर इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते, चार पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो इसका कितना हो जाएगा, फोर के फोर के फोर के फोर के। अब देखो ऐसे हम बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं, इसका मतलब डॉट 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 डॉट। इस के को हम अगर एन पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, एन पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एन पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल, तो सबका क्या क्या हो जाएगा भाई, एन के एन के एन के एन के। समझे क्या, सबका। दो में किया तो टू के टू के, तीन में किया तो थ्री के फोर में किया तो फोर के फाइव में किया तो फाइव के एन में किया तो एन के एन के एन के। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके ग्रेट। रैंकर्स गेमिंग वीडियो लाइक करें तेरा। ओके ग्रेट ग्रेट। बोलो यहाँ तो किसी भी इंसान को तकलीफ है क्या, बोल देना वरना आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्प्रिंग थी के, कितनी लेंथ थी, एल। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ध्यान रख लेना, बट इस बार इक्वल नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इसकी लेंथ कितनी है, एल बाई थ्री। इसकी लेंथ कितनी है, टू एल बाई थ्री। तो इसका कॉन्स्टेंट है के वन, इसका कॉन्स्टेंट है के टू। तो के वन और के टू क्या है, के वन के टू इज इक्वल टू वॉट। तो ऑप्शन ए इज थ्री के टू के। ऑप्शन बी इज थ्री के बाई टू। ऑप्शन सी इज थ्री के फाइव के बाई टू। ऑप्शन डी इज नन। बोलिए। ओके विनय भगत थैंक यू। अच्छा हाँ वीडियो लाइक करो प्लीज एंड शेयर द वीडियो। बोलिए फास्ट। बी डी, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। अब देखो दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, पहले मैंने इक्वल बताई, अभी देखो अनइक्वल लेंथ है। बी 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 बोल रही है जनता, जनता का एंथ हाई है, बी बोल रही है। बी 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 फोर बी, मधुमक्खी वाला। बी 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 बोल रहे हैं सब लोग। थैंक यू स्वाति केथवनाथ केथावत, स्वाति केथावत थैंक यू सो मच। बी बोल रहे हैं लोग, बी यानी मक्खी वाला। यस यस बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सिंपल फंडा है भाई, सिंपल फंडा। देखो एक तो क्या है, के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका देखो के इंटू एल, इसका के इंटू एल, इसका क्या होगा के वन इंटू एल बाई थ्री, इसका कितना होगा के टू इंटू टू एल बाई थ्री, तो इसको सोल्व करोगे देखो के वन कितना आ जाएगा 3 के, इसको और इसको सोल्व करोगे तो के टू कितना आ जाएगा 3 के बाई 2। सिंपली इसका उल्टा कर दो यार, कहने का मतलब ये है एल बाई टू थी तो 2 के हो गया, एल बाई थ्री थी तो 3 के हो गया, उल्टा कर दो, एल बाई थ्री है तो 3 के हो गया, 3 वाला ले लो, 3 बाई 2 उल्टा कर दो 2 बाई 3 को, 3 बाई 2 के, समझे क्या? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी, समझ में आया क्या? उल्टा करना है सिंपल, बी फोर बॉम्ब। थैंक यू स्वाति, ओके ग्रेट। भाई मेरा पढ़ाया हो तुमको समझ तो पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है कि मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ? ओके समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? हाँ श्रीन तबस्सुम, 8:30 PM रोज, 8:30 PM डेली, 3 बजे का शो चलता है अपना। ओके विनय भगत थैंक यू। चलो आगे एक सवाल और कर लेते हैं लास्ट, इस तरीके का लास्ट, दिस इज लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है? ओके सो लेट्स से दिस इज के, दिस स्प्रिंग इज ऑफ लेंथ एल, इसको मैंने इस बार 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? 3 पार्ट हैं, एल बाई फोर, एल बाई टू एंड एल बाई फोर, सो के वन के टू के थ्री, ठीक है? के वन के टू के थ्री क्या क्या होंगे तुम सीधे ही देखते ही आंसर बता दो, कि मुझे बता, सभी लोग बता दो कि लास्ट है ये। ओके 4K 2K 4K 20, 4K K 4K 30, K K K, ऑप्शन डी इज K/4 K/2 K/4, फास्ट। हाँ लीजा, हेलो लीजा कैसे हो? अंकित थैंक यू अंकित, सब लोग बोल दो जल्दी से, इसका तो यार बच्चों वाली चीज है। यस करेक्ट, सबका सही है, ए इज करेक्ट आंसर, सबका सही है बच्चों, सब समझ गए तुम लोग, इसका मतलब क्लियर हो गया तुम्हें, ग्रेट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, सिंपल है, उल्टा कर दो, एल बाई फोर मतलब 4 के, एल बाई टू मतलब 2 के, एल बाई फोर मतलब 4 के, बस मेंडूवाड़ा, ए ए ए पाव भाजी, ए पाव भाजिया, ए इज करेक्ट, अथारो बिरयानी, ग्रेट। ये स्प्रिंग काटने वाले सवाल खत्म, स्प्रिंग को छोटा कट कर दो तो क्या होगा, इसके भजिया बना दो काट काट के, तो तुम्हें कोई लोड नहीं लेना है, समझे? तुम्हें सिंपली उल्टा करना है, समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें पूरी फिजिक्स में काम आएगी, समझ लेना, SHM की बात नहीं कर रहा हूँ, स्प्रिंग के बारे में सारी चीज़ में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके सो आगे बढ़ते हैं, आगे ले लेते हैं हम कॉम्बिनेशन, ले लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स, अब इनको जोड़ देंगे भाई, कोई लोड नहीं, जोड़ने में क्या परेशानी है? सबसे पहले इनको किस में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल में जोड़ें, सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के, जैसे तुम बैठते हो ना क्लास में लाइन से, वैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बैठना है। तो देखो ये पहली स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग, ऐसे जोड़ दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के वन, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के टू, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होगा, सुनते जाना अच्छे से। नहीं श्रीन तबस्सुम अभी होगा, अभी लास्ट फाइनल SHM का फाइनल एक शॉट होगा जिसमें सारे सवाल होंगे, ठीक है? अब देखो इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने F4 से खींचा, कितना फोर्स लगाया F, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रख लेना सीरीज में, सीरीज में क्या सेम रहेगा फोर्स, तो देखो यार ये F है स्प्रिंग वाला फोर्स, इसमें भी F रहेगा, यहाँ पे भी F रहेगा, यहाँ पे भी F रहेगा, एक ही लाइन है ना, तो फोर्स क्या रहेगा, फोर्स फोर्स विल बी सेम,
फॉर बोथ द स्प्रिंग। ठीक है, एक्स क्या होगा, ये इसका के टू है, इसका के वन है, मतलब दोनों कुछ कुछ अलग खींचेगी ना, के पे डिपेंड करता है कि कितना खींच सकते हो। एफ बराबर के एक्स है, तो एक्स बराबर क्या आया, एफ बाई के। तो अगर एफ कॉन्स्टेंट है तो एक्स किस पे डिपेंड करेगा, के पे, तो जिसका के ज्यादा होगा उसके लिए एक्स कम होगा। तो ये मान लेते हैं एक्स टू खींची, ये कितनी खींची, एक्स वन खींची। ये समझ आया क्या, ये समझ में आता है? ठीक है, तो अगर टोटल लिखे हम, एक्स नेट क्या हो गया, टोटल कितना खींच गया, एक्स वन प्लस एक्स टू। ये समझ में आता है क्या, एक्स वन प्लस एक्स टू हो गया। अब देखो एक्स नेट को क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट इंटू एक्स नेट। तो एक्स नेट कितना आ गया यहाँ से, एक्स नेट इज इक्वल टू एफ अपॉन के इक्विवेलेंट। तो एक्स नेट की जगह मैंने लिख दिया, देखना, एफ अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। एक्स वन कैसे लिखूँ मैं, देखो एफ दोनों में सेम है, तो एफ बराबर के वन एक्स वन, एफ बराबर के टू एक्स टू। तो यहाँ से देखो एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई, एफ अपॉन के वन प्लस एफ अपॉन के टू। समझे क्या, यहाँ देखो एफ से एफ कट गया, एफ सिंपली कैंसिल आउट हो गया एफ से एफ। तो वन बाई सिंपली, अब ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, इस डेरिवेशन से तुम्हें कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है सीरीज में फोर्स दोनों के लिए सेम रहता है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए अलग अलग रहता है। तो यहाँ से देखो वन बाई के इक्विलेंट क्या आ गया, वन बाई के इक्विलेंट इज इक्वल टू, वन बाई के इक्विलेंट इज इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू। बोलिए इसमें किसी को तकलीफ है क्या? जैसे सीरीज में कैपेसिटर जुड़ते हैं, ये कैपेसिटर्स होते हैं ना, अगर किसी को 12th के बच्चे होंगे तो तुम्हें याद होगा, कैपेसिटर के जैसे जुड़ती है स्प्रिंग, कैपेसिटर भी सीरीज में उल्टे होकर जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस से उल्टे तरीके से जुड़ते हैं ये। यस, ऐसे याद रख लेना, कैपेसिटर और स्प्रिंग हमेशा एक तरीके से जुड़ते हैं, कैपेसिटर भी सीरीज में उल्टे होकर जुड़ते हैं, ठीक है, स्प्रिंग भी सीरीज में उल्टे होकर जुड़ती है, रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं। ग्रेट, कूल, ओके, सो आई हैव टू ऐड मोर स्लाइड्स, ओके, स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ मैं कुछ। ओके, दिस विल बी एनफ। बोलिए किसी को तकलीफ आई क्या, मैंने सीरीज में क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ के क्या कर दिया, समझ में आ गया क्या तुमको, या किसी को तकलीफ है अभी भी, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बोल देना है ना। बोलिए, यस, जैसे कैपेसिटर जुड़ते हैं वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू सीरीज में, वैसे ही क्या जुड़ते हैं, स्प्रिंग्स, ठीक है, और अगर पैरेलल में होंगे तो जैसे कैपेसिटर जुड़ते हैं सी वन प्लस सी टू, वैसे ही स्प्रिंग जुड़ जाएगी के वन प्लस के टू। रेंकर गेमिंग, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू, ओके, सीरीज और पैरेलल इजी है, किसी को दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए मैंने क्या कर दिया था, सीरीज में कैसे जुड़ेंगे, पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे, समझ नहीं आया। मुरली आप मेरे फेवरेट हो, थैंक यू मुरली ब्रो, अभी बताते हैं, वापस बता देता हूँ कैसे क्या, अभी वापस बता देता हूँ, ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी, मैं बता दूंगा। ओके अभी बताते हैं।
ये स्प्रिंग्स के बारे में आज सारी बातें कर रहे हैं। स्प्रिंग का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रख लेना। स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं हम। मोनिका राज 2-3 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं, 2 या 3 दिन में हम पढ़ेंगे 12th क्लास, ठीक है? ये रहा, देखो वापस समझा रहा हूँ मैं। हाँ लीजा, हाँ लीजा, सॉरी रितु, ये मैं पूरी पूरी स्लाइड दूंगा, ये आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप मेरे को अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके मैं आपको पूरा कुछ दे दूंगा। देखो क्या है, सिंपली सीरीज में सेम क्या रहेगा, फोर्स एक्स नेट होगा x1 + x2, और के इक्विलेंट आएगा 1/k इक्विलेंट इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2। और पैरेलल में अगर जब भी लिखोगे, ध्यान रख लेना, पैरेलल में जब भी लिखना है ध्यान रख लेना, पैरेलल में आप हमेशा जब भी लिखोगे तो पैरेलल में क्या करना है, पैरेलल के अंदर डायरेक्ट जोड़ देना k1 + k2, ठीक है? कोई लोड नहीं आएगा, इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो सीरीज में सिंपली अगर आपको बहुत सारी स्प्रिंग्स दे दे, के वन की, के टू की, के थ्री की, ओके, इफ के वन, के टू, के थ्री, ऐसे एन दे दे, तो क्या लिखोगे, 1/k इक्विलेंट। 1/k इक्विलेंट कैसे लिखोगे, 1/k इक्विलेंट इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 + ... ठीक है, ऐसे लिखना है। दो स्प्रिंग अगर हो सिंपली, ठीक है, इफ दिस इज के वन, दिस इज के टू, तो इनका के इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1/k1 + 1/k2, जिसकी वैल्यू आएगी k1 k2 / k1 + a2 k2, ये याद रखना है आपको, ठीक है? आप डायरेक्टली लगा सकते हो अगर सीरीज में दो ही हैं तो, सिर्फ अगर सिर्फ दो हैं तो डायरेक्टली लगा सकते हो। ओके ग्रेट, हाँ मोनालिसा, हाँ मोनालिसा, ठीक है ग्रेट। ये सीरीज की होगी, पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या होगा, अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में हैं तो देखना क्या होगा, अगर स्प्रिंग पैरेलल में है, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, अगर दोनों का एम से कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, इसका के वन ले लेते हैं, इसका के टू ले लेते हैं, अब देखो इस बार क्या सेम रहेगा, बता सकते हो मुझे, जल्दी से कमेंट से बताओ, इस बार फोर्स सेम रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा? इस केस में फोर्स सेम रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा? यू हैव टू टेल मी विच क्वांटिटी विल बी कॉन्स्टेंट फॉर बोथ द स्प्रिंग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट, यस करेक्ट, एक्स सेम रहेगा। अगर इस एम को यहां ले जाओगे तो देखो ये स्प्रिंग भी उतनी खींचेगी और ये स्प्रिंग भी उतनी खींचेगी, इसका मतलब इस बार एक्स क्या रहेगा दोनों में, सेम, एक्स क्या रहेगा, सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, फोर्स क्या रहेगा, फोर्स डिफरेंट रहेगा, फोर्स डिफरेंट रहेगा, समझ रहे हो? तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू एक्स नेट लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहां से हम लिख सकते हैं, और एक्स नेट क्या लिख सकते हैं, यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट आप लिखोगे तो दोनों का जुड़ जाएगा ना, k1 x + k2 x, और ये कितने, किसके इक्वल है, के इक्विवेलेंट इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, एक्स है, देखो एक्स से एक्स कट गया, तो इस बार डायरेक्टली क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 + k2 + k3 + ... इसका मतलब पैरेलल में स्प्रिंग कैसे जुड़ जाएंगी, डायरेक्ट कैपेसिटर के जैसे जुड़ती हैं, डायरेक्टली कैपेसिटर जैसे जुड़ते हैं वैसे जुड़ती हैं, बोलो समझ में पड़ा क्या? यस, सीरीज में उल्टे होके जुड़ेंगे, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, कूल है? किसी सज्जन को तकलीफ है? देखो सीरीज में उल्टे होके पैरेलल में डायरेक्टली, जैसे कैपेसिटर जुड़ते हैं ना वैसे कैपेसिटर्स भी ऐसे ही जुड़ते हैं, सीरीज में उल्टे पैरेलल में डायरेक्ट, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अब तुम्हें समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या? किसी को तकलीफ है दोनों में तो बता दीजिए, आगे सवाल करने वाले हैं हम। डिस्प्लेसमेंट, यस,
अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस पे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कुछ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अब क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एम है ठीक है। इसका ले लेते हैं 8K, इसका भी ले लेते हैं 8K, इसका ले लेते हैं 2K, इसका भी ले लेते हैं 2K ठीक है। तो आपको बताना है टाइम पीरियड टी कितना आएगा। तो ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए इज 2π√m/k, ऑप्शन बी इज 2π√m/2k, ऑप्शन सी इज 2π√m/20k, ऑप्शन डी इज 2π√m/12k। बोलिए फास्ट। जल्दी से आंसर दे दीजिए, फास्ट फास्ट बोलो क्या आंसर आएगा। जल्दी बोल दो जल्दी। बी, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। कृतिका इज सेइंग बी, विकास इज सेइंग बी, लीजा इज सेइंग बी, मोनालिसा इज सेइंग बी, श्रीन तबस्सुम बी, ऐमान बी, रैंकर्स गेमिंग बी। अभी देखते हैं। मोनिका राज इज सेइंग बी, प्रतीक्षा बी, ऐश्वर्या बी, सब लोग बी बोल रहे हैं। बी 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 अज्जाद, मंसूरी, जहीर इकबाल, नन। जहीर इकबाल नन कैसे आया भाई। एट के, यस बी इज करेक्ट। बस सब लोगों का आंसर सही है बी। जहीर इकबाल आपका गलत है, बाकी सबका सही है बी। देखो सिंपल है यार, एट और एट किसमें है, सीरीज में है। एट और सीरीज में है ना, तो जब भी सीरीज में दो सेम होते हैं तो आधा हो जाएगा ना यार। दो आठ और आठ है, आठ का कितना हो जाएगा 4। जैसे 1/8 + 1/8 करोगे ना यार, तो 1/8 1/8 कितना यार 2/8, इसका मतलब कितना बना 1/4। ये 1/k इक्विवेलेंट बन गया, 1/k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया, ऐसे 4 आ गया ना। तो इन दोनों का हो गया 4, इन दोनों का मिला के हो गया 4। 4 2 और 2 पैरेलल में है, 2 और 2 पैरेलल में है, तो 2 और 2 का मिला के कितना हो गया 4। इनका भी मिला के कितना हो गया, प्लस करोगे तो कितना बन गया 4। तो 4 और 4 सीरीज में आ गए, 4 और 4 सीरीज में आ गए, इनका भी आधा हो जाएगा। 4 और 4 का आधा कितना होता है 2, तो कितना बन जाएगा 2K। तो 2π√m/2K। आई होप दिस इज क्लियर। गुड इवनिंग KKB, हाय। बोलिए क्लियर है कि नहीं है ये, किसी को भी तकलीफ है तो बोल दो, वापस कर लेंगे। जहीर इकबाल समझ में आया क्या, क्या गलत कर दिया था आपने। दिक्कत है तो बोलिए वरना आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ग्रेट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एम, ठीक है, इसका ले लेते हैं 4K, इसका ले लेते हैं 4K, ठीक है, टाइम पीरियड बताना है। सो ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए इज 2π√m/k, ऑप्शन बी इज 2π√m/2k, ऑप्शन सी इज 2π√m/8k, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीस। बोलिए क्या आंसर आएगा। फर्स्ट, हाँ, केकेबी, केवीपीआई, ओलंपियाड, एनआई एंड नीट, सब कुछ। कृतिका गवंडे, हाय। अथर्वा, क्या हुआ? डोरा, ऐश्वर्या, लीसा थोड़ी देर और चलेगी बस, ये स्प्रिंग्स का मैं बता देता हूँ फिर। बी, बी बोल रहे हैं रेंकर्स गेमिंग से ए, बी कृतिका इज सेइंग सी, अथर्वा इज सेइंग सी, ए बी अरविंद बिश्नोई, तबस्सुम ए, रेंकर्स गेमिंग बी, मोनिका बी, ऐश्वर्या बी, श्रीस ए। अथर्वा सी, अभी देखते हैं। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। बी बी, बी बी, इक्लिप्स क्लासेस बी, जहीर इकबाल बी, प्रतीक्षा बी, अरविंद बी, बी कृतिका सी, अभी देखते हैं। ओके, देखो बी जितने भी लोगों ने गलत दिया आंसर, अथर्वा का सही है और कृतिका का सही है, बाकी जनता का गलत है। सी इज करेक्ट आंसर। देखो सी करेक्ट क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बताया था कि सीरीज में जो है डिस्प्लेसमेंट कैसा रहता है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहता है, पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट कैसा रहता है, सेम रहता है। तो भाई अगर मैं इसको इधर खिसकाऊंगा, इधर खिसकाऊंगा, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट एक्स ही होगा और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट एक्स ही होगा ना यार, एक साथ जुड़े हुए हैं, देखो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। चाहिए के होता और ये 4K होता तो भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम ही डायरेक्शन में आता और सेम ही आता। तो ये सीरीज में नहीं है, ये गलती मत कर लेना, ये किसमें है, पैरेलल में है, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेम होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे इस पैरेलल में। 4K+4K कितना हो जाएगा, 8K, समझे क्या? देखो कैसे जब भी ऐसे सवाल दे रखे हो, मान लो ये K1 है, ये M है, ये K2 है, अगर ऐसा दे रखा हो तो देखो सिंपल है यार, जितना इसको खिसकाओगे एक्स उतना ही ये खिसक जाएगा एक्स यहाँ पे, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम किस में रहता है, पैरेलल में रहता है, तो दोनों जुड़ेंगे, तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π√m/K1+K2, ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो समझ में आया क्या, क्या गलती कर दी है? ओके रेंकर्स गेमिंग, थैंक यू। बोलो समझ में आ गया क्या, क्या कर दिया? यस, सी सी सही है। बी गलत क्यों हो गया, समझ में आ गया क्या? खोटार्दी आतापन जानी आंसर देता है, स्तिपान फेक आईडी चाहे। ओके कूल, बोलिए समझ में आ गया क्या, ये क्या किया मैंने? आई होप दिस इज क्लियर। नया कटो छाए, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, आगे बढ़े क्या? राम अवतार मीना, आपने भी सी बोला था क्या? ओके ब्रो सॉरी, आपका भी सही था फिर। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं अपनी। लेट्स से
ये ऐसे स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया, फिर एक स्प्रिंग आ गई, एक स्प्रिंग और आ गई, और यहाँ हमने एम लटका दिया ऐसे, ठीक है। इन सब का स्प्रिंग कांस्टेंट लिख देता हूँ मैं, दिस इज 12 के, दिस इज 4 के, दिस इज के, दिस इज के, दिस इज के, ठीक है। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू वॉट, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ए इज 2π√2m/3k, ओके, ऑप्शन बी इज 2π√3m/2k, ऑप्शन सी इज 2π√m/3k, ऑप्शन डी इज नन। बोलिए क्या आंसर आना चाहिए। ओके हाँ, 5:30 पे एंड कर देंगे। अब तो सब सही कर दो यार, इतने सवाल करा दिए ऐसे। हाँ अब तो खुश हो ना। ए ए ए ए ए ए ए बोल रही है जनता, ए नैया, कटोच, श्रीन, विकास, बृंदा, अथर्वा, ऐश्वर्या, मोनिका, कमलेश, ए, यस, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ए सब लोगों का करेक्ट है, इजी है, या सब सबको सबको समझ आ गया है मेरे हिसाब से। देखो कैसे, 12 और 4 इन दोनों का कितना होगा सीरीज में ना, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो 48/16 कितना हो जाएगा, 3K, तो इन दोनों का मिला के कितना बन गया, 3K बन गया, तो इन दोनों का मिला के बन गया 3K, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं, तो K+K+K कितना बन गया, 3K, 3K और 3K सीरीज में हो गए तो कितना बन गया उनका, 3K/2, 3K और 3K सीरीज में आ जाएंगे ना यार, तो 3K 3K के दो हैं, तो सीरीज में आधा हो जाएगा, 3K/2 आ गया कॉन्स्टेंट, तो 2π√m/k, m/k की जगह लिख दिया 3K/2, तो 2 किधर चला गया, ऊपर, ए इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, किसी को डाउट है क्या इसमें। यस ए इज करेक्ट, बोलो ए का डाउट है क्या किसी को। ओके ओके आदित्य, थैंक यू सो मच, बोलते जाओ फास्ट। PYQs कमलेश, PYQs करेंगे SHM के, परसों करेंगे, परसों, सो मंडे को करेंगे PYQ, सारे सारे जितने भी SHM के PYQ हैं सारे करेंगे। ओके ग्रेट, प्लीज लाइक द वीडियो, आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक सवाल और करा देता हूँ लास्ट, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, दिस इज एम, K2K 3K K2K, ओके। तो टाइम पीरियड बताना है इस केस में क्या आएगा। सो ऑप्शन ए इज 2π√m/9K, ऑप्शन बी इज 2π√m/7K, ऑप्शन सी इज 2π√2m/7K, ऑप्शन डी इज नन। ये लास्ट है इस तरीके का। थैंक यू लिसा, थैंक यू, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम इस टाइप की, लास्ट है, ठीक है, इस टाइप का और नहीं करेंगे। ए ए बोल रही जनता, बी बी बोल रहे हैं कुछ,
मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। ए ए ए ए ए ए अभी बताया था इसका कंसेप्ट पीछे, सेम कंसेप्ट पीछे बताया है मैंने। ओके ये कंसेप्ट मैंने बता दिया है पहले पीछे। ओके ए डी अरविंद विश्नोई डी कैसे आया यार, फिर से तुम कंफ्यूज, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इतने सारे सवाल करा दिया यार सेम टाइप के, अच्छे से समझाया मैंने। ओके रोज 3 बजे लाइव आते हैं अपन, ध्यान रखना। ओके सो सिंपल है यार, अभी अभी करा देखो, ये दोनों किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ध्यान रखना। ये तीनों पैरेलल में है, के 2K 3K, तो इनका कितना बन गया, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो इधर तो एक एक स्प्रिंग लगा दो कितने की, 6K की, 6K की, ये M हो गया। ये दोनों पैरेलल में है, के और 2K कितना बन गया, 3K, समझे। अब ये वाला सवाल बन गया यार, अभी तो समझाया था तुम्हें। देखो जब भी ऐसे लगे हों K1 और K2, तो दोनों किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो क्या होते हैं, K1 + K2 हो जाता है, ये ध्यान रख लेना, K1 + K2 हो जाता है। तो यहाँ K1 कितना है, 6K, K2 कितना है, 3K, तो टोटल कितना आ गया, 9K, तो 2π√M/9K, ए इज करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ ओके ग्रेट, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बोल देना, वरना आगे बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन इज, एक स्प्रिंग थी, कितनी लेंथ की, एल लेंथ की, कितना कांस्टेंट, के, इसको हमने कट कर दिया कितने पार्ट में, एन पार्ट्स में, एन पार्ट में कट कर दिया, ठीक है। इफ वी कट द स्प्रिंग इन एन पार्ट्स एंड कनेक्ट देम इन सीरीज, वॉट इज के इक्विलेंट, ठीक है, के इक्विलेंट क्या आएगा, सीरीज में जोड़ दिया इन एन को काट के, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, के बी एन के सी एन स्क्वायर के डी के बाई एन, बोलिए फास्ट। ओके ग्रेट, पूजा इज सेइंग ए, के बाई एन, डी डी बोल रहे हैं लोग, कमलेश इज सेइंग डी, श्री सी सेइंग डी, रैंकर्स गेमिंग इज सेइंग डी, लीजा इज सेइंग डी, विकास इज सेइंग ए, जल्दी आंसर दो फटाफट। ए डी, सी सी सेइंग ए, फास्ट जल्दी आंसर दो, बता दिया था मैंने सेम मेथड है इसका, कोई वो नहीं है। ए यस, श्रीस आपका सही है, पूजा आपका सही है, बाकी जनता का गलत है, ठीक है। जिन लोगों ने भी डी बोला है, कमलेश बाजी आप सबका गलत है, ए इज करेक्ट। क्या होगा यार, क्यों, देखो सबसे पहले मैंने बोला इस स्प्रिंग को, के को कितने पार्ट में काट दिया, एन पार्ट्स में, तो सबका कितना हो गया, एन के एन के एन के एन के हो गया। अब इनको किस में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, तो क्या लिखोगे, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 एन के प्लस 1/NK प्लस 1/NK, कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो एन टाइम्स 1/N किया, तो क्या हो गया, ये एन अपॉन एन के,
बराबर 1/k इक्विवेलेंट। बोलो एनसीएन कट गया, के इक्विवेलेंट कितना आ गया, के ही आ गया। सिंपल है यार, इसको काटा फिर ऐसा कैसे जोड़ दिया इन सबको, सबको इनको वापस ऐसा कैसे जोड़ दिया, तो वापस वही स्प्रिंग बन गई ना यार, तो के हो जाएगा सिंपली, के इज करेक्ट। समझे गया क्या गलत कर दिया सबने, जनता ने गलत कर दिया। हाँ एन से एन मर जाएगा इसमें। पूजा आपका पहले सही था, गलत क्यों किया आपने? बोलो समझ गए क्या गलती की थी सबने। अगर वापस इनको सीरीज में जोड़ दोगे ऐसा कैसा है, तो वापस वही स्प्रिंग बन गया ना, जहां से काटा वहीं से जोड़ दिया, तो वही स्प्रिंग वापस बन गई, के वाली खत्म बात। अगर सेम प्रॉब्लम में अगर किसी को दिक्कत है क्या, प्लीज बोलना वरना आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं कमलेश, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ वी कनेक्ट ऑल द पार्ट्स इन पैरेलल देन के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, के इक्विवेलेंट क्या होगा? सो ए इज के, बी इज एन के, सी इज एन स्क्वायर के, डी इज के बाई एन। बोलिए इस बार क्या आ जाएगा? अगर इनको पैरेलल में ऐड कर देते पिछले वाले सवाल में, जो पीछे का सवाल था ना, उनको पैरेलल में ऐड कर दिया, तो क्या आएगा? अनु शर्मा फिर से समझाएं, दोबारा समझाएं। ओके देखो, अगर के को मैंने बोला था अगर एन पार्ट में काटोगे तो सबका कितना हो जाएगा, एन के दो पार्ट में काटोगे तो टू के टू के, तीन पार्ट में काटोगे तो थ्री के एन पार्ट में काटोगे तो क्या हो जाएगा, एन के एन के एन के, तो एन के हो गया। तो इन सबको अब ऐड करना है, तो भाई अगर 10 10 के 10 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। 10/10 डिवाइड कर देते हैं सीरीज में, एन के कितने एन है, तो एन के बाई एन कितना हो गया, के डायरेक्टली, बस क्या आ गया ये आप डायरेक्ट देख लो। इन टुकड़ों को वापस जोड़ोगे तो वापस वही स्प्रिंग बन जाएगी, तो इसका मतलब उसका कितना होगा, क्या होगा ना यार, तो इनको पैरेलल में जोड़ दोगे तो क्या आएगा, सी एन स्क्वायर, सी आना चाहिए। बागड़े एक गोस मानू तुल्ला एक्सेप्ट कारसिल, ओके। एन स्क्वायर के, जनता बोल रही है एन स्क्वायर के, यस एन स्क्वायर के इज करेक्ट। देखो कैसे एन स्क्वायर के इज करेक्ट, देखो कैसे सिंपल है। सारी स्प्रिंग, एक स्प्रिंग थी, के कितने पार्ट में काट दिया इसको, एन पार्ट में, सबका कितना हो गया भाई, एन के एन के, ऐसे ऐसे हो गया डॉट डॉट डॉट। अब इनको किस में जोड़ दिया, पैरेलल में, अगर जोड़ दिया इन सबको ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया अगर, तो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा भाई, K1+K2+K3+, ठीक है सारे ऐड हो जाएंगे, तो K1 कितना है एन के टू भी कितना है एन के थ्री भी कितना है एन के, प्लस डॉट 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 डॉट, कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। तो 2 को 3 टाइम जोड़ते हो तो 2 × 3 कर दो, 2 को 10 टाइम जोड़ते हो तो 2 × 10 कर दो, ऐसे एन के को कितने टाइम जोड़ रहे हो, एन टाइम्स, तो एन के इंटू एन कितना हो गया ये, एन स्क्वायर के, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, एन स्क्वायर के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों आया है समझ में आया होगा तुम्हें, नहीं आया तो प्लीज बोल दीजिए। हाँ रिंकर्स गेमिंग, बोलिए।
किस सज्जन को तकलीफ है भाई? अब देखो एक अच्छा सवाल करते हैं, अगर इसमें डाउट हो तो प्लीज बोल देना, वरना आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट। ये पुली है, ठीक है, दिस इज एम, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के, ठीक है, ओके। अब देखो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? ए ऑप्शन इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ऑप्शन बी इज 2 पाई अंडर रूट 2m/k, ऑप्शन सी इज 2 पाई अंडर रूट m/2k, ऑप्शन डी इज नन। अगर इसे पुली लगा दी तो क्या होगा? ओके पूजा, गुड इवनिंग नीट एस्पायरेंट, आज लेट हो गया भाई, हमने पूरी स्प्रिंग पट डाली है। हमने इधर पूरी स्प्रिंग खत्म कर दी, तुम अभी आए हो नीट एस्पायरेंट। ए जिद्दी स्टूडेंट इज सेइंग ए, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग, ए बोल रहे हैं, जिद्दी स्टूडेंट इज सेइंग ए। कोई बात नहीं नीट एस्पायरेंट, बोलो क्या आएगा इसका, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा? ए बी सी में से एक आंसर है इसका। बोलो सी, ए, विकास इज सेइंग ए, मोनिका इज सेइंग ए, नीट एस्पिरेंट इज सेइंग ए, एस्पिरे इज सेइंग ए, फैजान शेख इज सेइंग सी, रैंकर गेमिंग इज सेइंग सी। हाँ जिद्दी आंसर इनमें से होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी लोगों का गलत है। ए करेक्ट है, देखो ए करेक्ट है, बाकी का गलत है। देखो कैसे, सिंपली आप इसको क्या कर दीजिए, एक्स नीचे खिसका दीजिए, ठीक है, एक्स नीचे खिसका दीजिए, तो इसमें कितना टेंशन है, टी है, रिस्टोरिंग फोर्स टी आएगा, यहाँ कितना होगा, ये भी अगर ये एक्स खींचा है तो यहाँ पे भी टी है, यहाँ कितना है, टू टी है, तो ये स्प्रिंग भी कितनी खींचेगी, एक्स खींचेगी ना, अगर ये एक्स हो तो ये भी एक्स खींचेगी, तो टी बराबर कितना हो गया, के एक्स हो गया ना यार सिंपली, तो एक्स के साथ कितना के इक्वलेंट है, के इक्वलेंट इज के, तो 2π अंडर रूट m/k के, सिंपल समझे, कोई फर्क नहीं आएगा, 2π अंडर रूट m/k आ जाएगा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। हाँ करेक्ट है। अब ये बताना, देखो अच्छा सवाल ये है, अच्छी प्रॉब्लम है ये, देखें कौन बताता है, यहां लगा दी स्प्रिंग, यहां पुली पे स्प्रिंग है। अब ये हमने यहां से इसको यहां से फिक्स कर दिया, और यहां है एम,
ठीक है, ऐसे कर दिया आप, इस वाले केस में टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, ये वाले केस में टाइम पीरियड क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई 4 के, बी इज 2 पाई अंडर रूट 4m/k, ऑप्शन सी इज 2 पाई अंडर रूट m/2k, ऑप्शन डी इज 2 पाई अंडर रूट 2m/k, ऑप्शन ई इज नन। बोलिए इसमें क्या आना चाहिए, इसका आंसर बताओ। अदरवाइज सेइंग ए अथर्वा ए, पूजा ए, जिद्दी स्टूडेंट सी, मोनिका ए, मोहम्मद आसिफ ए, मुरली इज सेइंग, लीजा इज सेइंग सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, नन, कोई बात नहीं। बी कृतिका इज सेइंग बी, फास्ट आंसर दो, देखें क्या आना चाहिए। नन, डी कमलेश इज सेइंग डी। अरे नैन इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं हाथों हाथ सवाल लिखता हूँ ना, इधर ही सवाल बनाते हैं, तो इनमें से कोई मान लो ऑप्शन नहीं बना, मन से ही लिख रहा हूँ मैं, तो नहीं बना तो ई हो ही जाएगा, इसलिए देखो सबका गलत है, सिर्फ कृतिका का सही है, बी इज करेक्ट आंसर, बाकी सबका गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कृतिका के अलावा सबका गलत है, ध्यान रखना। देखो क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे करना है देखो, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, मैं बोलूँ वैसे वैसे करते जाना, ऐसे सवाल जब भी आए ना तो कैसे करना है देखो, सेम तरीका है। ये आपका एम है, तो सबसे पहले क्या करो आप, इस एम में टेंशन कितना मान लीजिए, टी, हमेशा एम वाले में टी मान लीजिए, तो इसमें भी कितना आएगा भाई, टी, इसमें कितना आ जाएगा भाई, 2t। इस m को हमेशा x नीचे खिसका खिसका दीजिए, x x नीचे खिसका दिया मैंने, x नीचे खिसका दिया, तो बोलोगे ये 2t वाला कितना नीचे आएगा, स्प्रिंग कितना नीचे आएगी, ये x बाई टू नीचे आएगी ना यार, क्यों? क्योंकि t इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, NLM में पढ़ा होगा तुमने, t इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है कंस्टेंट मोशन में, और t इंटू ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो आप जब भी कंस्टेंट मोशन पढ़ते हो तो वहां पे एक्स ए और वी में रिलेशन निकालने के लिए ये फॉर्म यूज करते हो। अब देखो क्या सीन है, यहां से मैंने कैसे निकाला, इसका टेंशन टी है, डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स, तो टी इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसमें मैंने मान लिया कितना एक्स डेस मान लेते हैं, तो कितना टेंशन है 2t इंटू कितना मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स डेस, तो टी से टी कट गया, तो इसका मतलब एक्स डेस कितना आ गया, एक्स बाई टू, ये आया ना एक्स बाई टू, ये तुमको समझ आता है क्या? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रख लेना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं 3 बार बता दूंगा चाहिए। अब देखो, अब स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स देखते हैं, स्प्रिंग में स्प्रिंग को कट किया मैंने तो नीचे तो कितना लग रहा है 2t, ऊपर कितना लगेगा के एक्स लगेगा ना, तो क्या लिख दिया मैंने, के इंटू के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है इसका, तो के इंटू एक्स, एक्स कितना है इसमें, एक्स बाई टू, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ना, स्प्रिंग मासलेस है तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल, तो 2t इज इक्वल टू के इंटू एक्स बाई टू। तो यहां से देखो टी की वैल्यू क्या आई, टी की वैल्यू आई के बाई फोर इंटू एक्स, ये वैल्यू आई टी की के बाई फोर इंटू एक्स। अब देखो इस मास को टी ही तो ऊपर ले जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स है, तो टी इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना यहाँ पे, टी इज इक्वल टू के बाई फोर एक्स में,
एक्स के अलावा जो भी बचा है उसी को हम क्या बोलेंगे, के इक्विवेलेंट। ये तो रिस्टोरिंग फोर्स है इसका, तो के बाई फोर जो है ये क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट कितना आ गया, के बाई फोर। तो टाइम पीरियड टी कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के बाई फोर, फोर ऊपर जाएगा 4 m/k। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो समझ में आया क्या। ये बहुत ही काम का सवाल है, ये अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता है। बस लीजा, लास्ट लास्ट प्रॉब्लम है लास्ट। अच्छा रैंकर्स गेमिंग, बोलिए किसको प्रॉब्लम है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी ये, किसी को दिक्कत है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से बताएं। ओके देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा जीरो से बता रहा हूँ इस बार, समझ जाना। देखो अच्छा सवाल है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ पूरा का पूरा ही। ये सवाल था, यहाँ स्प्रिंग थी, ये आपकी पुली थी, ये यहाँ से बंधा हुआ है, एम किधर है, इधर है, ठीक है ये था। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एम में टेंशन कितना मान लो, टी, इसमें भी कितना हो जाएगा, टी सेम ही है ना, इसमें कितना हो जाएगा ये तुम जानती हो, कितना हो जाएगा 2t। इसको कितना नीचे खींच दो, एक्स। तो ये स्प्रिंग कितना खींचेगी, हमेशा टी इंटू, ये मान लेते हैं एक्स डेस नीचे खींची, एक्स डेस नीचे खींची, तो टी इंटू एक्स कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसके लिए टी इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए टी कितना है, 2t इंटू कितना लिख दिया मैंने, एक्स डेस। तो बोलो एक्स डेस कितना आ गया, टी से टी कट गया तो कितना आया देखो, एक्स बाई टू। तो इसका मतलब ये स्प्रिंग नीचे कितनी आएगी, एक्स बाई टू। ये समझ आता है क्या तुम्हें, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब स्प्रिंग का FBD बनाओ, स्प्रिंग का, स्प्रिंग पे नीचे तो कितना लग रहा है 2t, ऊपर क्या लगेगा के एक्स, तो के कितना है, के इंटू एक्स कितना है, एक्स बाई टू। स्प्रिंग मासलेस है इसलिए दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका मतलब 2t इज इक्वल टू के एक्स बाई टू। तो यहाँ से टी आ गया आपका के बाई फोर इंटू एक्स। तो इस मास को ऊपर कौन ले जा रहा है, टेंशन ही तो ले जा रहा है, रीस्टोरिंग जो फोर्स है इस एम के लिए वो कौन सा है, टी है। तो टी इज इक्वल टू के इक्वलेंट इंटू एक्स हो गया, तो के इक्वलेंट कितना आ गया, के बाई फोर। अगर टी के इक्विवेलेंट के बाई फोर आ गया तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बाई फोर लिखोगे, फोर ऊपर चला जाएगा, 4 m/k। दिस इज द आंसर, बोलिए इसमें किसको तकलीफ है, कड़क है सवाल। अभी बोलो, अभी किसी को पंगा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है। हेलो आदित्य, बोले किसको तकलीफ है इस प्रॉब्लम में, किसी को दिक्कत है क्या, मैंने क्या किया ये। अच्छा कृतिका बागड़े है क्या, बागड़े का सही था ये, पता नहीं बागड़े ने तुक्का मारा है कि सोल्व किया है, बहुत अच्छा सवाल है। बोलिए इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, मोहम्मद आवेश हेलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें, बोलिए। अच्छा कृतिका, ओके आपने करा हुआ है तभी कर दिया, ओके ग्रेट। ओके ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टूडे गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर, थैंक्स, लव यू सो मच, थैंक यू। ओके मिलते हैं कल 3 बजे, 8:03 PM, 3 बजे शायद, कल तो नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। ओके 3 बजे मिलते हैं रोज, कल तो संडे है, परसों मिलेंगे शायद,
ठीक है, 3 PM पे मिलते हैं रोज़, हम 3 PM पे आते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी ऐप, फॉलो मी ऑन एन अकेडमी ऐप, ओके। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मेरे को एन अकेडमी भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर, बाय बाय। ओके, लूसीफर, ऐश्वर्या, कृतिका, मोनिका, अथर्वा, लीसा, थैंक यू सो मच, बाय। मोहम्मद आवेश, कमलेश, एवरीवन जो भी देख रहे हैं, राम अवतार, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। प्रिंसेस, गुड इवनिंग, अभी हम जा रहे हैं। वृंदा, थैंक यू सो मच, बाय। बिजी गर्ल, बाय। अथर्वा, बाय। शिष्य, मोहम्मद आवेश, बाय। कृतिका, बाय। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई एम एंडिंग द लाइव फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।